गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए 30-40 मिनट्स का क्रैश कोर्स है, जिस क्रैश कोर्स में हम पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। आज के हमारे वीडियो का पर्पस है क्रैश कोर्स पढ़ना ग्रेविटेशन पे। तो बेटा ग्रेविटेशन में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ लेंगे कि ग्रेविटेशन में हमें कौन से पॉइंट्स कवर करना है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे चार पॉइंट्स हम लोग स्टार्टिंग में कवर करेंगे। तो पहला बेटा, सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में कितने पॉइंट्स आते हैं। तो पहले फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड, उसके बाद लेंगे हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, अबाउ द अर्थ सरफेस कितना होता है, बिलो द अर्थ सरफेस कितना होता है, और अर्थ सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे कितना होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। तो फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, एक बार अच्छे से बोल लो बेटा, फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या आएगा बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड। क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस कितना रहेगा, अबाउट द सर्फेस कितना रहेगा, बिलो द सर्फेस कितना रहेगा, एट एनी पॉइंट कितना रहेगा। सो ग्रेविटेशन में हमने टोटल कितने पॉइंट्स कंसीडर किए, 15 पॉइंट्स, ठीक है। और एक बार आप अच्छे से 15 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लो, क्या है 15 पॉइंट्स, फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी। एक बार आप लोग भी बोल लो, फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद क्या रहेगा बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड। उसके बाद केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना रहता है, अबाउ द सरफेस कितना रहता है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कितना रहता है, और एट एनी पॉइंट कितना रहता है। इस तरीके से हम लोग पूरे 15 पॉइंट्स पढ़ेंगे। बेटा आज हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। अब पहला पॉइंट, अगर ये मास ऑफ वन बॉडी इज कैपिटल एम, मास ऑफ अनदर बॉडी स्मॉल एम, एंड आर विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, दुनिया के कोई भी दो मास रहे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला रहेगा GMM अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी अगर हमने ये दो मास कंसिडर किए, जैसे एक मास कैपिटल एम हुआ, एक स्मॉल एम मास हुआ, सो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स GMM अपॉन आर स्क्वायर। MM क्या है बेटा यहां पर, मासेस, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, और G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो पहला पॉइंट हमने क्या लिया कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, हाउ मच इट इज, GMM अपॉन आर स्क्वायर। अब पॉइंट नंबर टू बेटा, अगर ये मास ऑफ बॉडी है कैपिटल M, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर यहां पर कोई स्मॉल m मास रखा जाए तो ये वाला मास इस तरफ अट्रैक्ट होगा बाय फोर्स F, तो इस मास की वजह से यहां पे अगर मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट मास। क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट मास, यानी ये वाला मास इस मास को इस जगह पर कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट मास। अब मुझे अगर इंटेंसिटी को डिराइव करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, एम 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 गेट कैंसल, सो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मिला, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, इंटेंसिटी के दो चीजें आ गई, ये एक मास है कैपिटल एम, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पे एक मास था एम, ये वाला मास इस मास को कितने फोर्स से यहां पे खींचेगा, दैट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मास कर दिया, यहां पे आपका एमएम कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मिला, जीएम बाय आर स्क्वायर।
अब ये फॉर्मूले का क्या मीनिंग हुआ, m नाम का मास r डिस्टेंस पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है या कितनी इंटेंसिटी वहां पे होती है, m मास की वजह से r डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगा gm by r square। क्लियर? अब पढ़ते अगला पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल। ये देखिएगा पॉइंट नंबर 3 इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो शॉर्टकट वे में पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। सो पोटेंशियल को आप शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। बेटा वर्क डन का यूनिट क्या होता, जूल। मास का यूनिट क्या होता, केजी। सो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी, दैट इज नथिंग बट वोल्ट। सो सबसे पहले ये याद रखो कि पोटेंशियल यानी क्या, शॉर्टकट तरीके से पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर अपॉन एम। एम एम कैंसिल हुआ, आर आर कैंसिल हुआ, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या मिला, जी एम बाय आर विद नेगेटिव साइन। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर अपॉन एम। आर आर गेट कैंसिल, एम एम गेट कैंसिल, सो जी एम बाय आर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, इट्स यूनिट इज जूल। पोटेंशियल एनर्जी निकालना यानी ही वर्क डन निकालना। वर्क डन निकालना यानी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, जीएमएम बाय आर स्क्वायर इनटू आर। आर आर गेट कैंसिल, ये क्या मिला आपको, जीएमएम अपॉन आर। सो दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। वैसे देखा जाए तो इसका डेरिवेशन अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट तरीके से कर लिया। एक्चुअल में अगर डेरिवेशन करना चाहो तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, देन गिव द लिमिट हियर, पुट अप द लिमिट्स हियर, देन इंटीग्रेट इट एंड सॉल्व इट। नाउ सो बेटा अभी हम लोगों ने समझ में आ रहा है आपको प्रॉपरली, अभी हम लोगों ने जो 4 पॉइंट्स देखे वो एक बार देख लो बेटा। ये एक मास है कैपिटल एम, ये एक मास है स्मॉल एम, इनके बीच में का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने आर। सो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय फोर्स एफ, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब पॉइंट नंबर 2 इंटेंसिटी। बेटा इंटेंसिटी कैसे निकाला हमने, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या था अपना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम एम गेट कैंसिल, तो क्या मिला, जी एम बाय आर स्क्वायर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी क्या किया मैंने, वर्क डन अपॉन मास। वर्क डन यानी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिया मैंने, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर अपॉन एम। एम एम गेट कैंसिल, आर आर गेट कैंसिल, सो जी एम अपॉन आर। हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, सो आर आर गेट कैंसिल, सो जी एम एम अपॉन आर। सो इस तरीके से हमने फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था आपका, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी यानी क्या, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स का फॉर्मूला पुट अप कर दिया, एम पुट अप कर दिया, एम एम कैंसिल किया, ये फॉर्मूला मिला। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला रख दो, पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको सॉल्व कर लो। अभी आपको जो फॉर्मूले मिले, फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, अभी एक बार चेक करो बेटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था अपना, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर। एक मास को कैंसिल कर दो तो जीएम बाय आर स्क्वायर, दैट इज इंटेंसिटी। एक आर को कैंसिल कर दो तो जीएम बाय आर, दैट इज पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन। दो मास एक आर कर दो, जीएमएम अपॉन आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।
तो इस तरीके से आपने पहले फोर पॉइंट्स को याद कर लिया। बेटा एक बार आप अच्छे से ध्यान दे देना, फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, एक मास को कैंसिल कर दो, दैट इज जीएम बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल यानी क्या, जीएम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, जी एम एम अपॉन आर। सो ये शॉर्टकट तरीका याद करने के लिए कि जी एम एम बाय आर स्क्वायर, सो फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इंटेंसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे दो मास दो आर, एक मास को कट किया तो इंटेंसिटी मिला, एक आर को कट किया तो पोटेंशियल मिला, दो मास एक आर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। सो पॉइंट नंबर फाइव, क्रिटिकल वेलोसिटी। बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए कंसेप्ट कैसे यूज होता, जैसे ये अर्थ का मास है एम, अर्थ की रेडियस है आर, कंसिडर एनी मास स्मॉल एम। अब ये स्मॉल एम मास सैटेलाइट का ये सर्कल में घूम रहा होगा अर्थ के अराउंड, ये मान लेते हैं अर्थ, ये मान लेते मून, विच इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बेटा जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो बाहर एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अभी कोई भी चीज ऐसे सीधे जा रही है तब तक कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, लेकिन जब जैसे कोई चीज सर्कल में घूमती है तो वो बाहर फेंकी जाती है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे ये चीज सर्कल में घूम रही है तो ये बाहर फेंकी जाएगी बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्ट होगा, क्योंकि ये एक मास है ये एक मास है, सो दो मास के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, वो कितना रहता है आपका जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जब भी कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो बाहर क्या एक्ट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर क्या एक्ट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, या तो आप ये भी कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रीपिटल दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल, सो योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो नाउ एम एम गेट कैंसल, आर आर गेट कैंसल, सो क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी सो दैट बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बॉडी को आप कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे ताकि बॉडी अर्थ के अराउंड बराबर सर्कल में घूमे, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। और एक बार चेक कर रहे थे बेटा, ये अर्थ का मास मान लिया m, अर्थ की रेडियस की मान लिया r, ये एक स्मॉल m मास ले लिया, इस मास को कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप दोगे ताकि बॉडी बराबर सर्कल में घूमे, उसे आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हो। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी सो दैट बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जैसे ये चीज सर्कल में घूम रही तो बाहर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन r, अंदर क्या एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितना होता है gmm अपॉन r स्क्वायर। सो योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज हाउ मच mv स्क्वायर अपॉन r, ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm अपॉन r स्क्वायर। सो योर mm गेट कैंसिल, rm गेट कैंसिल, सो v स्क्वायर इक्वल टू gm बाय r, देयरफॉर v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसमें एक चीज याद रखना, जो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला दैट इज अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, जो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, इसके तीन पार्ट कर लेते हैं। अब बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर ना, इसके तीन पॉइंट्स कर लेते हैं। जीएम की जगह पर आप क्या पुटअप कर सकते हो, आर स्क्वायर जी, जीएम की जगह आर स्क्वायर जी पुटअप कर सकते हैं, स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच पुटअप कर सकते हैं, और मास की जगह पे क्या पुटअप कर सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी और वॉल्यूम यानी क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला है इसको आप तीन टाइप से चेंज कर सकते हो, ये 1, 2, 3। जीएम की जगह पे क्या पुटअप कर सकते हैं, आर स्क्वायर जी, स्मॉल आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, आर प्लस एच, मास की जगह पे क्या रख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी. व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी? अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी है स्मॉल एम मास, इसे आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए? ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड. इस बॉडी को आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए? दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी यानी एनर्जी विद विच बॉडी इज बाउंडेड विद अर्थ और एनर्जी गिवन टू द बॉडी सो दैट बॉडी गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. सो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. यानी बॉडी जितने टोटल एनर्जी से बंधी है उतनी ही एनर्जी उसको अपोजिट में दे दिया तो बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड चला जाएगा. बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जीएमएम अपॉन आर. काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? Half mv square. Now, initially the body is at rest. अगर ये body rest पे है तो उसकी velocity कितनी होनी चाहिए? Zero. So ये velocity zero आ जाएगा आपका. So ये formula क्या बचेगा? Minus minus plus gmm upon r. This will be the formula for binding energy. But a binding energy यानी क्या? The minimum energy given to the body so that body goes out of gravitational field. So body जितने total energy से बंधी होगी वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी. सो टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. पोटेंशियल यानी माइनस जीएमएम अपॉन आर. काइनेटिक इज हाफ एमवी स्क्वायर. इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी इज जीरो. सो कीप इट हियर. सो वेलोसिटी विल बिकम जीरो. सो माइनस माइनस बिकम प्लस जीएमएम अपॉन आर. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी. नाउ दिस इज द अर्थ. मास ले लिया एम. रेडियस ले लिया आर. यहां से एच डिस्टेंस पे स्मॉल एम मास है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. तो बॉडी जब सर्कल में घूमती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे आप क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हो. अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर. क्लियर? अब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड. बॉडी को आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए? दैट इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी. So binding energy कैसे निकालते हैं? Negative of total energy. यानी negative of total energy means what? Potential energy plus kinetic energy. यानी negative of potential energy is minus gmm upon r. Kinetic energy is half mv square. Now minus minus become plus. So gmm upon r. Minus plus become minus. Half of m. Velocity is critical. That is under root of gm by r. It's square. So it will become GMM upon R minus half of GMM upon R. So आप देखिए इधर binding energy कैसे निकालना. So binding energy कैसे निकालना? Negative of total energy. This is the concept. Binding energy कैसे निकालते हैं? Negative of total energy. Total energy कैसे निकालोगे? Potential plus kinetic. Potential का formula रख दिया, kinetic का formula रख दिया, critical velocity का formula put up किया, इसको solve कर लिया. ये हुआ बेटा वन टाइम जीएमएम अपॉन आर. ये हुआ हाफ टाइम जीएमएम अपॉन आर. सो वन में से हाफ चला गया तो बचेगा क्या? हाफ बचेगा. यानी हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर. ये हुआ आपका बाइंडिंग एनर्जी. अब हमने दो टाइप्स के बाइंडिंग एनर्जी पढ़े. सो बाइंडिंग एनर्जी के दो टाइप्स. एक, जब बॉडी अर्थ सरफेस पे रेस्ट पे है तब इसको कितना एनर्जी दोगे? तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आया था इस केस में? दैट इज जीएमएम अपॉन आर. और अगर अर्थ के अराउंड बॉडी सर्कल में घूम रही है तब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई थी? तो बाइंडिंग एनर्जी आया था हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर. ये स्मॉल आर जो रहेगा वो कैपिटल आर ही रहेगा. सो बाइंडिंग एनर्जी के दो टाइप्स. बाइंडिंग एनर्जी इस बॉडी का निकाला जो बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? जीएमएम अपॉन आर. और जब बॉडी ऑलरेडी सर्कल में घूम रही है तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? तो हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर. यानी जब बॉडी को अर्थ सरफेस से भेजना है तो जीएमएम अपॉन आर पूरा आ गया. और अगर बॉडी ऑलरेडी सर्कल में घूम रही है तब उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना आया? हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर.
अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले मिले आपको, तो बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्मूले मिले, कौन सा? GMM अपॉन R और हाफ ऑफ GMM अपॉन R। अब इनमें GM की जगह पर क्या रख सकते हो? R स्क्वायर G। R की जगह पर क्या रख सकते हो? R प्लस H। इफ H इज वेरी वेरी लेस देन R, देन R इज नियरली इक्वल टू R। मास की जगह पे क्या पुट अप कर सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पे क्या रख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। ये सभी चीजें आप यहां पे कर सकते हो। नाउ फाइंड द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बेटा, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी सो दैट बॉडी गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी यानी क्या? बॉडी को आप कितने वेलोसिटी से फेंकोगे ताकि बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए। आप बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे ताकि बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाए इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी। बेटा बॉडी जितने बाइंडिंग एनर्जी से बंधी हुई है वो कितनी थी यहां पर बाइंडिंग एनर्जी जब रेस्ट पे है? तो बाइंडिंग एनर्जी जीएमएम अपॉन आर, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसको दे दो। तो काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। बॉडी जितने बाइंडिंग एनर्जी के साथ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसको दे दो तो बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाएगा। दैट इज एस्केप फिलॉसफी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ये कंसेप्ट हुआ। सो कंसेप्ट यूज टू फाइंड द एस्केप फिलॉसफी, यानी बॉडी जितने बाइंडिंग एनर्जी से बंधी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना आया था बेटा? जीएमएम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। एमएम गेट कैंसिल, सो वी इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब ये हुआ आपका एस्केप वेलोसिटी। यहां पे अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए रूट टू टाइम्स रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, सो रूट ऑफ जीएम अपॉन आर ये जो है वो क्या है आपका? क्रिटिकल वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। ये भी हो गया वहां। नेक्स्ट, अर्थ का मास ले लिया एम, रेडियस ले लिया आर, बॉडी ऑलरेडी रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। नाउ जो बॉडी ऑलरेडी सर्कल में घूम रही है उसको एस्केप कराना है, तो एस्केप फिलॉसफी निकालो। तो बेटा यहां पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहेगी? दैट इज हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर। वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें एस्केप फिलॉसफी निकालना है तो अपना कंसेप्ट कौन सा यूज करोगे? सो जितनी बाइंडिंग एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इस केस में? हाफ ऑफ जीएमएम अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। एमएम गेट कैंसिल, हाफ ऑफ गेट कैंसिल। सो यहां पर क्रिटिकल एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर। दिस इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी इन दिस केस। अब हमने क्या पढ़ा? देखा बेटा बाइंडिंग एनर्जी जब निकाल रहे थे तो इसके दो पॉइंट्स थे। अर्थ सरफेस पे अगर बॉडी है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? तो दैट इज जीएमएम अपॉन आर। और इस समय इसको अगर एस्केप करना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। और अगर अर्थ सरफेस पे अर्थ के ऊपर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? सो बाइंडिंग एनर्जी है हाफ ऑफ gmm अपॉन आर। और इस समय अगर उसको एस्केप कराना है तो एस्केप वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। सो दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज रूट टू टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। इन सभी फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं? इन सभी फॉर्मूले में आप अगर जीएम के जगह पे आप पुट अप कर सकते हो आर स्क्वायर जी, स्मॉल आर की जगह पुट अप कर सकते हो आर प्लस एच। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन स्मॉल आर इक्वल टू आर। नाउ नियरली इक्वल। मास की जगह पे क्या पुट अप कर सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब चेंजेस आप कर सकते हो इसमें। सो बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी
आपने दो पॉइंट्स में पढ़ा, अर्थ सरफेस पे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बाइंडिंग एनर्जी ये है, इसकी वेलोसिटी है, और बॉडी अगर ऑलरेडी सर्कल में घूम रही है तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है और इसकी वेलोसिटी ये है। क्लियर? नाउ वी विल फाइंड द टाइम पीरियड। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, फाइंड द टाइम पीरियड। अब ये देखना, अर्थ का मास ले लिया m, अर्थ के रेडियस ले लिया r, एक मास ले लिया स्मॉल m जो एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये बॉडी सर्कल में घूम रही है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो डिस्टेंस कवर इज नथिंग बट 2 पाई r। बॉडी जब सर्कल में घूम रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई r, और जब ये सर्कल में घूमेगा तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी कितनी रहेगी, क्रिटिकल, दैट इज अंडर रूट ऑफ gm / r। बट अब बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ gm / r। क्लियर? और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहा, डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 पाई r, डिस्टेंस कवर्ड। नाउ टाइम पीरियड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी, सो डिस्टेंस कवर्ड इज हाउ मच, 2 पाई r, वेलोसिटी इज क्रिटिकल, दैट इज अंडर रूट ऑफ gm / r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर हमने इसका स्क्वेयरिंग किया तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर gm / r, r ऊपर कर दो ट्रांसफर, so t square equal to 4 pi square upon gm into r cube, all these terms are constant terms, so t square equal to k into r ka cube, so this is the formula for the time period। body jab circle mein ghum rahi to uski critical velocity rahegi under root of gm / r, jo distance covered rahega that is 2 pi r, so time period can be distance upon velocity, so distance is 2 pi r, velocity is under root of gm / r, so if squaring then you will get this result। clear? now अभी हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए, फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हमने पढ़ा क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, जी एम एम / आर स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, जी एम / आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, जी एम / आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस जी एम एम / आर। फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, अंडर रूट ऑफ जी एम / आर। एस्केप वेलोसिटी के दो रिजल्ट्स आए, एक फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 gm / r, नेक्स्ट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ gm / r। बाइंडिंग एनर्जी के दो रिजल्ट्स लिए हमने, एक gm / r, एक हाफ ऑफ gm / r, और टाइम पीरियड कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी इज क्रिटिकल, अंडर रूट ऑफ gm / r, एंड आफ्टर स्क्वेयरिंग यू विल गेट द अनदर रिजल्ट, t स्क्वायर इक्वल टू k इनटू r क्यूब। क्लियर? सो अभी हमने कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए, फोर्स, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टाइम पीरियड। सो 8 पॉइंट्स कवर हो गए। नाउ हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब बेटा केपलर्स फर्स्ट लॉ, अब केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, इफ सन इज लोकेटेड एट द फोकस एंड प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। अगर हम लोग ये इलिप्स लेते हैं तो इलिप्स को दो फोकस होते हैं ऐसे, उसमें से एक फोकस हमने ये ले लिया, so sun is located at the focus, then planet revolving in a elliptical orbit, so according to Kepler's first law planets revolve in a elliptical orbit around the sun and sun is located at one of its foci, this is the Kepler's first law। now what is the Kepler's second law,
केपलर सेकंड लॉ। नाउ अगर ये हमारा सन है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, अगर मान लो प्लैनेट हमारा इस पोजीशन पे है इनिशियली, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ। एक पर्टिकुलर टाइम टी में प्लैनेट यहां से यहां पर चला गया प्लैनेट, सो इसने जो एरिया स्वेप्ट किया वो ए वन हो गया। सो ए वन इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन टाइम टी वन। ये सन हुआ हमारा और ये हुआ प्लैनेट। अब ये प्लैनेट यहां से यहां तक गया, सो एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इज ए वन इन टाइम टी वन। सो इट्स एरियल वेलोसिटी, आई एम सेइंग एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम टेकन। एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट अपॉन टाइम टेकन। अब मान लो कोई अनादर पोजिशन ले लेते प्लैनेट की, ये वाली, अगर ये कोई टी टू टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, दैट इज ए टू, यहां से यहां पर गया प्लैनेट्स ने, यहां से यहां तक का एरिया स्वेप्ट किया ए टू इन टाइम टी टू, सो यहां पे इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? सो एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम टेकन। सो हमने एरियल वेलोसिटी यानी क्या निकाला, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट अपॉन टाइम टेकन, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट अपॉन टाइम टेकन। सो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, means a1 upon t1 is equal to a2 upon t2. This is the Kepler's second law. Area swept upon time taken remains same. Means aerial velocity is constant. That is Kepler's second law. This is the sun. This is any planet P revolving in a elliptical orbit. Now, बेटा इसका position vector क्या हुआ? R1. Planet आपका कितने velocity से जा रहा है? V1. So जब आपका planet R1 distance पर है, यानी उसका position vector R1 है, with respect to sun, तो उसका velocity है V1. इसका mass है m. So इसका angular momentum क्या रहेगा? mvr. Angular momentum रहेगा इस जगह पर mvr. अब ये प्लैनेट जाते जाते यहां के तो भी आ गया, मान लो ये प्लैनेट यहां पे, उसकी वेलोसिटी क्या है v2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2, इसका मास क्या है m, सो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? सो एंगुलर मोमेंटम इज mvr, सो 2। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का